नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लिजोम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आसनसोल में मनाया गया शहीद दिवस। क्लब हाउस के कब्जे को लेकर हंगामा। शांति से मनाया गया ईद का पर्व। पूरे राज्य के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में भी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया गया। राज्य मंत्री मलय घटक ने शहीद की वेदी पर माल्यार्पण किया। पश्चिम बर्धमान जिले में राज्य के साथ साथ आसनसोल ने भी तृणमूल के 21 जुलाई को शहीद दिवस कार्यक्रम को श्रद्धा से मनाया। कोरोना की स्थिति में शहीद की वेदी पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री के वर्चुअल भाषण को प्रसारित करने के लिए एक विशाल स्क्रीन लगाई गई थी। दोपहर में पार्टी का झंडा फहराने के अलावा राज्य मंत्री मलय घटक ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल 1993 से हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल 1993 से हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मना रही है। आज के कार्यक्रम से पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने वस्तुत अगले दिन के लिए पार्टी के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद 21 जुलाई को यह पहला शहीद दिवस है। पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने कहा कि इस लिहाज से इस साल 21 जुलाई का विशेष महत्व है। একুশ মানে আপনারা যারা একটা সেই আসল ছোড়ার জন্য উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু বিগত দু বছর যেমন এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দেবেন, আমরা তার বার্তার জন্যই অপেক্ষা করছি। আমরা প্রতি বছরে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদ দিবস পালন করা হয় কলকাতায়। রাজ্য সরকার কি ঔদ্যোগিক ক্ষেত্র মে শান্তি ও ব্যবস্থা কে সাথ মনাই গই ঈদ উল আযহা। बकरीद या ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसे राज्य के देश के बाकी सभी हिस्सों में मनाया जाता है। उपयोगकर्ता सुबह में पवित्र प्रार्थना करने से शुरू होता है। यह त्योहार पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान जिले में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। जिले के एक नाबालिग नेता और आसनसोल नगर निगम के संचालन मंडल के सदस्य मीर हासिम ने बुधवार को कुर्बानी के मौके पर नियामतपुर के लोगों के साथ ईद मनाई। उन्होंने आसनसोल के लोगों से इस कठिन समय में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार त्योहार मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। দেখুন আজকে ঈদ উল আযহা, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় আজকে যে সংখ্যালঘু আজকে যে ঈদ উল আযহার নামাজ হয়েছে, সকাল 6টা থেকে প্রথম নামাজ আজকে আরম্ভ হয়ে গেছে পশ্চিম বর্ধমানে। দেখো আমরা সবাই লোককে ধন্যবাদ জানাই যে খুব পিসফুলি মানে আজকে যে সরকারের গাইডলাইন আছে যে গাইডলাইনটা মেনে আজকে ঈদ উল আযহার নামাজ পড়েছেন। এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্স আর ইয়ে মাস্ক স্যানিটাইজার ইউজ করেছেন, ব্যবহার করেছেন, তার জন্য আমি লোকের ধন্যবাদ জানাই। বিধানসভা মে ভাজপা কে পার্টি কার্যালয় মে পার্টি কা আয়োজন কিয়া গিয়া। भारतीय जनता पार्टी ने 21 जुलाई को लोकतंत्र को बचाने और पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ वोट के बाद हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र को बचाने और पश्चिम को बचाने का आह्वान किया।
पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी विधानसभा में कुल्टी विधानसभा के पार्टी कार्यालय में कुल्टी के विधायक अजय कुमार पोदार की उपस्थिति में लोकतंत्र बचाओ पश्चिम बंगाल बचाओ कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। चुनाव के बाद हुई हिंसा में राज्य सरकार की भूमिका को लेकर हर कोई मुखर था। भारतीय जनता पार्टी स्वतः की भूमिका पूरे पश्चिम बंगाल में जो 2 तारीख के बाद 2 मई के बाद जो लोकतंत्र की हत्या हुई, हमारे 180 कर्मियों की जो हत्या हुई, आज पश्चिम बंगाल जो हमारे सभापति हैं उनके नेतृत्व में आज पूरे जिला पश्चिम बंगाल के सभी जिला सभी मंडल में ये शहीद दिवस मनाया जा रहा है कि हमारे कर्मियों किस तरह निर्मम हत्या की गई है। इसी का विरोध में आज हम लोग ये वर्चुअल के माध्यम से हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। माननीय ने हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोली थी कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। किस तरह लोकतंत्र की जो हत्याएं हो रही है पूरे पश्चिम बंगाल में, आज वो शहीद दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह निर्मम हत्या कर रही है, क्या वो पश्चिम बंगाल की जनता नहीं थी? मध्य क्षेत्र के लचुगाए में एक चाय बागान में एक व्यक्ति का शव लटके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चोपड़ा प्रखंड के मिझियाली ग्राम पंचायत के लच्छुगच इलाके में चाय बागान से एक व्यक्ति का लटका हुआ शव मिला। बुधवार की सुबह चाय बागान के कर्मचारियों को स्थानीय चाय बागान में एक व्यक्ति का लटका हुआ शव मिला। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सिलास मुंडा नाम का एक शख्स कल से लापता था। उसका घर स्थानीय लाचु गाँव में ही है। घर के लोगों ने अलग अलग जगह तलाशी करने पर भी उसे नहीं ढूंढा और चोपड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आज सुबह जब चाय बगान के मजदूर जब पत्ते लेने गए तो देखा कि सिलास मुंडा नाम का 55 वर्षीय व्यक्ति पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। पुलिस ने आकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। चोपड़ा पुलिस ने मौत की जाँच शुरू कर दी है। আমরা জানি না কালকে এসে সুন্দর না রাতে থেকে কালকে মোটামুটি সকালে বের হলাম খুঁজতে, তখন পাইলাম না। তো মাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কোথায় বেরোলো, চপ্পলটা আছে বাড়িতে, আর তোরা যে কোথায় গেলো যত খুঁজিস বললাম। তো সকালে বের হলাম, সারাদিন খুঁজলাম, কালকে কালকে তো পাইলাম না, তাহলে আজকেও খুঁজতে বের হলাম সকালে। আগে থানাতে গেছি, কাঁচাকাল থানাতে, ওখানে জানাই দিলাম। তো বললো কি চপ্পলাতে মিসিং ডাইরিটা করে আসা বললাম। তারপরে যে আমি গেছিলাম শ্যামগঞ্জ, শ্যামগঞ্জ দিলাম, তারপরে বাগানে কাজ করতো শ্রমিকগুলো, তো ওরা পাতা তুলতেছিল, তখন পাইল। কোন জায়গায় পেয়েছে এটা? ড্রেনে পড়াছিল। কোন জায়গা? লচ্ছুগঞ্জ। কি হবে তোমার? আমার বাবা হবে। কেন হঠাৎ করে গলায় রশি দিতে গেল? ওইটা তো আমরা জানি না, রাত্রে বের হয়েছিল, কেউ দেখতে পারেনি। কালকেও গ্রামে জিজ্ঞাসা করলাম, সব গ্রামে ঘুরে ঘুরে, তাও দেখিনি। কি নাম তোমার বাবা? সিলাস মুন্ডা। ওনার বয়স কত হবে? বয়স হবে 56। কয় ভাই বোন তোমরা? আমার 3 ভাই আছে। जगदल न्यू ग्राम क्षेत्र में मंदिर से सटे एक क्लब हाउस में कब्जे को लेकर हंगामा हो गया। बदमाशों की गोली से एक व्यक्ति घायल हो गया। जगदल न्यू ग्राम क्षेत्र में मंदिर से सटे एक क्लब हाउस पर कब्जे को लेकर हंगामा हो गया। बदमाशों की गोली से एक किशोर घायल है। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जगदल थाना पुलिस इनकी तलाश कर रही है। मंगलवार की रात बदमाशों ने 4 बाइक पर सवार होकर इलाके में तबाहतोड़ फायरिंग कर दी।
सरोज राय नाम के एक किशोरी बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। सरोज राय नाम का एक किशोर बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। लगातार दो गोलियां उनके हाथों और सीने में लगी। घायल किशोर को गंभीर हालत में कोलकाता के आरजी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर इलाके में तनाव है। নাতি এখানে গল্প করতে নাতিকে ডাকতে গেছি, এর মধ্যে দেখি ওই দিক থেকে বাইক নিয়ে এসে গুলি আরম্ভ করলো, চার পাঁচটা গুলি করেছে। আগে প্রথম কুকুরকে গুলি করেছে, তারপরে আবার আমার নাতিকে গুলি করেছে। নাতি তো ভয়ে কোথায় লুকাই ছিল, তারপরে ওরা আবার ওই দিকে চলে গেছে, পার্টি অফিসের ওই দিকে চলে গেছে। নাতি দৌড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘোরাইছে, মা আমার গুলি লাগছে, আমার গুলি লাগছে। ও বলছি না, চিনতে পারছি না, আমি তো ওই যে রিক্সা চালাই, আমি এখনো আসছে না আমার নাতিটা, ডাক দিই, এরা চিল্লাচ্ছে, এখন কি যেন মনে হয় এখানে আছে কিছুক্ষণ বাদে। আমি তারপর না গুলি খেয়েছি, গুলি খেয়েছি, চলো হসপিটালে নিয়ে চলো। তারপর বলছে না হসপিটালে নিয়ে গেলে ওরা আবার ওই দিকে পাক দিয়ে আসছে, চিনতে পারছি না, কাউকেই চিনতে পারছি না। তারপর এই আবার রিক্সা নিয়ে বেরিয়েছিস, ঘর ঢুক, তারপর ঠেলা ঘর ঢুক। ঘটনাটা পুলিশকে দেখুন, কাল রাতের ঘটনা, আমি যেটা শুনলাম সকালবেলা রাত দুটো নাগাদের ঘটনা এটা, তো আমি ঠিক বিস্তারিতভাবে এই ব্যাপারে কিছু জানি না। দুষ্কৃতীদের মধ্যে একটা ঝামেলা নিয়ে হয়েছে। আমি অলরেডি থানাকে দুদিন আগে আমাদের পিস কমিটি মিটিং ছিল, সেখানে আমাদের সবাই ছিলেন, আমি বলেছিলাম কোনো কালার কোনো কিছু না দেখে যারা এই ধরনের আচরণ এবং এই ধরনের কাজ করছে তাদের যেন কোনো রকমভাবে স্পেয়ার না করা হয়, তারা যা উপযুক্ত শাস্তি তাদের শাস্তি দিতে হবে। সরোজ রায় নাওয়ালো তার গুলি লেগেছে, হ্যাঁ আমি রাতের ব্যাপারে, আমি সকালবেলা উঠেই শুনলাম ব্যাপারটা, উনি আরজি করে ভর্তি আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা। এবং কি নিয়ে বিবাদটা, মানে বিবাদটা দুষ্কৃতীদের নিজস্ব মতন ঝামেলা দুই দল, এবং যেটা এখন শুনলাম যে কিছু দুষ্কৃতী যারা ছাড়া পেয়ে এসেছে, বিভিন্ন সময় যারা ধরা ছিল NDPS কেসে ছিল, তারা হঠাৎ এই কোভিড সিচুয়েশনে তারা সব ছাড়া পেয়ে এসেছে। আজকে লি বাস ইতনা হি, কাল ইসি সময় ইসি চ্যানেল পর ফির হাজির হোঙ্গে, তব তক বনে রহিয়ে হামারে সাথ অর দেখতে রহিয়ে লিজম টাইমস, ধন্যবাদ।